हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन जिस टैबलेट के बारे में है वो है फेमिला 28F टैबलेट। तो आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफेक्ट और यूजेस के बारे में, और जानेंगे इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसके बारे में इस टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फेमिला 28F टैबलेट जो है, इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। तो इसके कंपोजिशन में लिवोनर्जेस्ट्रॉल शामिल है, और जो कि 0.15 mg, और इथिनाइल एस्ट्राडियाल 0.03 mg इसमें शामिल है, जो कि वाइट कलर के जो टैबलेट है उसकी कंपोजिशन है। और इसके अलावा ब्राउन कलर की जो टैबलेट है उसकी कंपोजिशन फिरोज़पामिरेट 75 mg है। तो ये अज़ा इस टैबलेट में पाए गए हैं, और इस टैबलेट का जो जेनेरिक काम है वो ख्वातीन के हार्मोन्स पर काम करता है। और दोस्तों, जो कंपनी इसको तैयार करती है वो ज़ाफा फार्माक्यूटिकल कंपनी है, जो बेहतरीन कंपनी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आप तफसील से जानते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे, जानते हैं कि किस चीज़ के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट जो है खसूसी तौर पर ख्वातीन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि ये टैबलेट ख्वातीन में हमल को रोकती है, और ये टैबलेट जो है खसूसी तौर पर हमल को रोकने के लिए ही इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान जो है एग्स को रिलीज होने से रोकती है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमल को रोकने के लिए इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है स्पर्म्स और अंडे को मिलने से भी रोकती है, जिससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ये हमल नहीं ठहरता। और ये टैबलेट जो है माहवारी में भी बेकायदगी होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे माहवारी जो है रेगुलर हो जाती है। और ये जो फेमिला 28F टैबलेट जो है वो माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग को कम करती है और दर्द को भी कम करती है। इसके अलावा ये टैबलेट जो है बच्चेदानी के गिर्द रसूली के जो ख़तरे होते हैं उसको भी ख़त्म करता है। अगर रसूली हो जाती है बच्चादानी के नज़दीक तो उसे ख़त्म करता है। इसके अलावा जो है चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल निकल आते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और इसके अलावा दोस्तों, एक्ने को भी ये टैबलेट ख़त्म करता है। इसको इस्तेमाल करने से एक्ने भी ख़त्म हो जाती है, और ये टैबलेट जो है इस्तेमाल करने से कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये थे इस फेमिला 28F के फ़ायदे, और अब जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। मेंसेस के पहले दिन से शुरू करें। सफ़ेद टैबलेट जो है 21 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाए। बाकी जो 7 दिन हैं उसमें दूसरे कलर की, जो ब्राउन कलर की टैबलेट होती है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल। अब जानते हैं इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट होते तो नहीं, फिर भी इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिनमें को भी किसी को हो सकते हैं। मुतली या फिर उल्टी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, वज़न का बढ़ना हो सकता है या फिर कम होना हो सकता है, पाँव में सूजन हो सकती है, सीने में शक्ति पैदा हो सकती है, यानी कि ब्रेस्ट में जो है वो शक्ति पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानते हैं कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो ख्वातीन जिन को ये टैबलेट नहीं इस्तेमाल करनी। तो उनमें हाइपर सेंसिटिव ख्वातीन जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो ख्वातीन जो इस टैबलेट के कंपोजिशन से एलर्जी रखती हों वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिप्रेशन वाले लोग वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रेस्ट कैंसर वाले मरीज़ भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा दोस्तों, किडनी के जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि गुर्दे के मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में अगर कोई मसला होता है तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। दोस्तों, कोई भी मेडिसन हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, उनकी हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसन हो इस्तेमाल ना की जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।